Zombie Apocalypse. Hello guys and welcome to Imperial Khan Gaming. आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज माइनक्राफ्ट की दुनिया में हम इंचांटमेंट टेबल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे कुछ ऑब्सीडियन, डायमंड और बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जैसे मॉडर्न हाउस बनाया था, तो मैंने उसे पूरा तरह से अंदर से डेकोरेट कर दिया है। मैंने अब सारे सामान, स्मोकर, फर्नेस सबको लगा दिया, और यहाँ पे चेस्ट में भी मैंने सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर दी है। जैसे ये देखिए, मेरे हैं फूड का चेस्ट है, ये रेडस्टोन और उससे रिलेटेड चीज़ का, ये हो गया प्लांट्स और वुड से रिलेटेड, मतलब पेड़ पौधे हैं इसमें। इसमें मैंने वैल्यूएबल्स यानी डायमंड है, एमरल्ड है, लैपिस है और गोल्ड सबको डाला है। वैसे ही मैंने बाकी सब चेस्ट को भी अरेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं। पहले मुझे चाहिए दो डायमंड, और कुछ ऑब्सिडियन मैं ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं कितने लगेंगे। और मेरे पास पहले से कुछ बुक्स हैं और लेदर भी है, मैं चाहूँ तो बुक्स बना भी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पहले तो ज़रूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे बिल्ड। ये बन गया मेरा इंचांटमेंट टेबल। इंचांटमेंट टेबल से हम बहुत सारे पावर्स और अलग अलग तरह की चीज़ दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं अपने हथियार सबको। लेकिन ये अच्छा से काम करे उसके लिए मुझे बुक्स सेल्फ बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले इसका देखता हूँ कि किस तरह से काम करता है। ये है अनब्रेकिंग वन, सब में वही मिल रहा है, तो मुझे इसकी पावर बढ़ाने होंगे, उसके लिए मुझे बुक सेल्फ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास बुक पहले से है और लेदर भी है, तो मैं और बुक्स बना लूँ। मुझे कम से कम 15 बुक सेल्फ की ज़रूरत पड़ेगी उसे पूरे के पूरे ताकत देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। मुझे 5 बुक्स मिल चुकी है, तो लेकिन मुझे और ज़रूरत है। तो लेदर है मेरे पास, लेकिन मुझे पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आगे अपना शुगर केन फार्म बनाया है, जो मैं आपको दिखा दूँ। माइनक्राफ्ट में शुगर केन की मदद से ही पेपर बनता है। तो यहाँ पे जितने भी मैं ले लेता हूँ, आगे भी मैंने शुगर केन लगाए, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से उगी नहीं है। मुझे 37 शुगर केन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पहले इसे बुक बनाने होंगे और फिर बनेगा बुक सेल्फ। अब बारी है बुक सेल्फ का। अभी तक मुझे सिर्फ 9 बुक सेल्फ मिले हैं। लेदर मेरे पास है और पेपर की और ज़रूरत है, तो मैं और शुगर केन तो आता हूँ। ये सब तो अभी उगी भी नहीं है।
लेकिन मुझे ज़रूरत है तो मैं अभी इसे तोड़ लेता हूँ। मुझे और प्लान्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब बारी वापस से बुक सेल बनाने की। मुझे एक बुक की कमी हो गई, इसलिए मुझे लेदर की ज़रूरत है। एक बुक सेल की बुक चुने माइनक्राफ्ट की दुनिया में हमें लेदर इन्हें मार के मिलता है। मुझे दो लेदर मिला, क्या इसे मारने के लिए दो लेदर से हो जाना चाहिए। मुझे तीन पेपर पड़ेगी, तो तीन और सुगर केन चाहिए। पंद्रह बुक्सल बन गया, अब बारी है इसे सही से लगाने की। इसके लिए पहले मुझे यहाँ के सारे सामान को हटाना होगा। अब बारी है बुक्सल पे लगाने की। अब देखता हूँ कि इसमें पूरे के पूरे पावर आई कि नहीं। इसकी फुल पावर 30 है, 30 पावर आ गई है इसमें। फॉर्च्यून 3, स्वीट टच, अनब्रेकिंग 1। तो इंचार्मेंट लेवल का मेरा काम तो पूरा हो गया। अभी रात हो गया है तो मैं सो जाता हूँ। मुझे अभी कुछ इंचांटमेंट करने का मन कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने शॉर्ट बना लेता हूँ डायमंड की।
स्टिक्स मेरे पास अभी इंचांटमेंट के लिए एक्सपीरियंस कम है, तो मुझे उसे बढ़ाना होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सपी फार्म सबको दिखाया था आप सबको, तो मैं वहीं से एक्सपीरियंस गेन करके आता हूँ। इसके लिए मैं अभी डायमंड शॉर्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरे पास और हथियार हैं कि नहीं। एक डायमंड शॉर्ट मेरे पास पहले से भी है, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। गोल्ड आर्मर, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 1, मुझे अब थोड़ा इंतजार करना है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। विलेजर ज़ॉम्बी। A few moments later। मैं बहुत देर से रुका हुआ हूँ और देख रहा हूँ बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं। मैंने अभी तक 27 एक्सपी कर लिए और मैं और बढ़ाने वाला हूँ। एक ज़ॉम्बी यहाँ पे गोल्ड आर्मर पहन के आया और एक छोटा सा ज़ॉम्बी विलेजर ज़ॉम्बी के ऊपर बैठा हुआ है। अट्ठाईस एक्सपी करते करते मैं दिखाना चाहता हूँ मैं जिस हालत पे है। इतने सारे चीज़ ये जॉम्बी ड्रॉप कर चुके हैं, इसलिए एक्सपी फॉर्म बनाना बहुत अच्छा होता है। और ये लगता है रात हो गया इसलिए ऊपर विच स्पॉन हो गई है कहीं पर, उसी का ही आवाज। कितना देर लगेगा मुझे और एक्सपी बढ़ाने में? Oh.
और मैं इनसे कुछ चीज़ें भी लेता हूँ। फेदर फॉलिंग, इससे कूदने पर डैमेज कम मिलेगा। लेदर वाला मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं गोल्ड वाले ले लेता हूँ। और भी लेदर में तो बहुत सारी चीज़ लगी है, टॉवेल्स है, अभी के लिए रात हो गई नहीं, अभी तो दिन है। मुझे क्रीपर या स्पाइडर का आवाज आ रहा था। अब बारी है अपने डायमंड शॉट को इंटरनेट करने का। इसमें मैं नॉकबैक टू कहाँ से लग गया, लगता है ये जनमन टेबल का खासियत है। अब मैं दिखाऊं कि इसका काम क्या फायर है। तो कोई मॉब ये देखिए मारने में काम आएगा उसे, और मुझे उसे जो भी मिलेगा वो कुछ मिलेगा। जैसे मैं चिकन पे मार के देखता हूँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।